वृंदावन में यमुना स्नान करने आया फौजी केसी घाट के समीप गहरे पानी में डूब गया। फौजी को तलाशने के लिए जुटे पुलिस और गोताखोरों ने कई घंटे तक कोशिश की, लेकिन फौजी का कहीं सुराग नहीं लग सका। बता दें कि मथुरा में आर्मी की मेडिकल कोर में तैनात 28 वर्षीय दिनेश सिंह वृंदावन होली खेलने के लिए गया था। होली खेलने के बाद वो केसी घाट पर यमुना स्नान के लिए पहुंचा, जहां यमुना स्नान के दौरान वो तैरता हुआ पॉन्टून पुल की तरफ चला गया और गहरे पानी में जाकर डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोर राधे गुलाब सीरिया आदि की मदद से 2 घंटे से भी ज्यादा तक यमुना में डूबे फौजी की तलाश की गई, लेकिन फौजी का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं जवान के डूबने की सूचना पर आर्मी के अन्य जवान भी यमुना किनारे पहुंच गए। कार्यकारी कोतवाली प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि यमुना में डूबे फौजी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। वहीं इस संबंध में गोताखोर गुलाब सिंह ने जानकारी दी। मेरा नाम गुलाब सिंह गोताखोर। जी हाँ, क्या घटना हुई है यहाँ पर किसी घाट पे? यहाँ पे एक फौजी भाई नारा था, नहाने के बाद में मैंने भी किया, कुछ लोगों ने, एक आदमी ने बचाया भी था, एक नाविक ने, लेकिन वो डूब गया। हमको जैसे ही लोकेशन मिली हम लोग आए, लेकिन लोकेशन के बाद कम से कम 2 घंटे बाद लोकेशन हमको मिली, हमने छानबीन भी की है। जी कौन है, क्या आप कुछ जानकारी है आपको? मेरे को इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम फौजी है, उनके स्टाफ भी आ चुका है इस समय। ये कितने बजे की घटना? करीब 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 3 बजे की घटना। कोई सुराग मिला अभी तक? अभी कोई सुराग नहीं मिला है। कितने घंटे हो चुके हैं? करीब करीब 3.5-4 घंटे हो चुके हैं इस समय।